हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है रियलमी C21Y। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने वाले हैं, इसका फोल्डर चेंज करने वाले हैं, LCD चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों, कितने का ये पड़ेगा, आप कहाँ से इसे बाय कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे रियलमी C21Y के फोल्डर के बारे में। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। साथ में आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोज अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये देख लीजिए, फ़ोन मैंने डिसेंबल करके रखा हुआ है सारा देख लीजिए, तो अगर आपको डिसेंबल की वीडियो चाहिए तो चैनल पर मिल जाएगी। तो ये मैंने पहले से ही डिसेंबल करके रखा हुआ है, कैसे आप इसका बैक पैनल ओपन कर सकते हैं, कैसे सारा कुछ आपको डिसेंबल वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले इसमें हम स्क्रीन निकाल देंगे, इसकी जो टूटी हुई स्क्रीन है देख लीजिए। इस तरीके से आप स्क्रीन निकाल सकते हैं, देख लीजिए। दोस्तों रेट से रिलेटेड या फिर आपको कहाँ से बाय करना है, ये सब अगर आपको जानने के लिए वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो ये देख लीजिए, हमने फ़ोन की जो फोल्डर है वो निकाल दिया है, ये देख लीजिए। इस तरीके से आप, टूटा हुआ फोल्डर है दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा, और ओरिजिनल फोल्डर में ज़्यादा गम भी नहीं रहता तो ये आसानी से निकल जाता है इस तरीके से, ये देख लीजिए। तो दोस्तों जो पुराना फोल्डर है इसकी जाली आप ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि फिर जाली मुश्किल से मिलती है। वैसे खैर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप जाली निकाल के ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि ऊपर जब आप फोल्डर लगाएंगे तो गैप ना दिखे। तो उसके बाद आपको क्रोम की अच्छे से सफाई कर लेनी है, इस तरीके से सारा ग्लू निकाल देना है दोस्तों। एकदम सफाई से आप अगर काम करेंगे तो फोल्डर भी अच्छे से लगेगा, इस तरीके से आप देख लीजिए। ये तो क्रोम की अच्छे से सफाई करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये जाली लगा देनी है। ये दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान से लगानी है, इस तरीके से ग्लू लगा दीजिए आप। ये देख लीजिए किस तरीके से लगाते हैं दोस्तों। अगर ये जाली आपकी गुम हो गई, जब भी फोन टूटता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो जाली अगर आपकी गुम हो गई, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके, कितने की मिलेगी, आप कैसे लगा सकते हैं बिना फोल्डर के निकाले हुए, तो आप वहाँ से आके देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आपको हल्का हल्का ग्लू डालना है दोस्तों। ज़्यादा डालोगे तो भी प्रॉब्लम है, ये डिस्प्ले के अंदर चले जाती है, कम डालोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो अपने हिसाब से डालिए। कम डालोगे तो ये कुछ टाइम बाद फोल्डर निकलने लग जाता है, तो आप अपने हिसाब से ठीक ठीक डालिए। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, तो ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आपको। तो दोस्तों जब भी आप फोल्डर लगाए तो इसका ब्लैक वाला जो पेस्ट है वो ही यूज करें, ये देख लीजिए। एक वाइट भी आता है दोस्तों, उसमें उतना जो हार्ड जो पेस्ट रहता है, जो चिपकन रहती है इसकी, जो उतनी खास रहती नहीं है जितनी इसमें ब्लैक वाले में रहती है। तो
दोस्तों सिलिकॉन टाइप का ही होता है ये, जब थोड़ा सूखने के बाद एकदम पकड़ बना लेता है ये, जैसे शीशे को चिपकाते हैं सिलिकॉन से खिड़की दरवाजों में, तो उसी तरीके से सिलिकॉन टाइप का ये है। तो जहाँ ज़्यादा है आप वहाँ से निकाल दीजिए ग्लू, और इस तरीके से दोस्तों ये हमारा न्यू फोल्डर है। तो आपको सिंपली इस तरीके से रख लेना है दोस्तों। रखने पेस्ट करने से पहले दोस्तों आपको, जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ, कि आपको फोल्डर चेक ज़रूर कर लेना है, आपको चेक ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। बाद में अगर चिपकाने के बाद कभी ब्लैंक हो जाती है डिस्प्ले, और कभी ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाती है, या फिर कभी डिस्प्ले में लाइन आ जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सबसे पहले फोल्डर को चेक ज़रूर कर लेना है पेस्ट करने से पहले। ये मैंने फोल्डर चेक किया हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत लगा दिया। तो इस तरीके से आपको लगाने के बाद कनेक्टर लगा देना है, उसके बाद बैटरी लगा देनी है। देख लीजिए, बैटरी लगाने के बाद आपको सिंपली बाकी का सामान लगा देना है, जैसे फिंगरप्रिंट, और उसके बाद आपको ये देख लीजिए जो बैक ये पैनल सा प्लेट सी है, आपको ये लगा देना है। उसके बाद आपको नट लगा देने हैं, दोस्तों जब भी आप फ़ोन को खोलेंगे, और नट आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि नट नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी। अगर लंबे नट लगा दो तो डिस्प्ले तक जाते हैं, तो डिस्प्ले को प्रॉब्लम ना हो इसलिए नट आप संभाल के रखें। जो फ़ोन के साथ आते हैं नट, वही आप इसका यूज करें, अदरवाइज ये लंबे नट या फिर छोटे नट लगाने में काफ़ी नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो ये देख लीजिए हमारे नट लग गए हैं, दोस्तों मार्केट में आपको पेस्टिंग वारंटी वाले फोल्डर भी मिल जाएंगे, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस तरीके से आप गारंटी वारंटी ले सकते हैं फोल्डर की। तो सारा कुछ कवर किया है उस वीडियो में हमने, तो आप वहाँ चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा फोल्डर लग चुका है, तो आप इसकी फिटिंग देख लीजिए, वो तो आपको पहले ही देखनी है, लेकिन फिर भी अभी और फिटिंग देख लीजिए ताकि इधर उधर ना खिसका हो फोल्डर। तो ये हमारा फोल्डर ऑन हो चुका है, देख लीजिए। तो अब हम इसे चेक करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपके थोड़े भी फ़ायदेमंद हो, या फिर अगर आपको रेट से रिलेटेड जानना हो कितने का ये फोल्डर बैठता है, कितने का पेस्टिंग वारंटी फोल्डर बैठता है, कितने का गारंटी वाला फोल्डर बैठता है, कितने का बिना गारंटी वाला फोल्डर बैठता है, तो उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों। एक ही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए फोल्डर पूरा ओके है, पूरा कंप्लीट हमने चेक कर लिया, इसकी टच वगैरह सब चेक कर लिए, फिटिंग वगैरह चेक कर लिए, और इसका पैनल भी लगा दिया है, देख लीजिए। ये देख लीजिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।